हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TMIS होम बेस एजुकेशन। तो स्टूडेंट, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है, बाहर से लिए है मैंने, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपकी बुक में भी है, तो वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन अगर आप ठीक से समझ लोगे तो। ठीक है बात, तो स्टार्ट करते हैं। ये तीन क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं सॉल्व करवाता हूँ, बाकी के तीन क्वेश्चन आपकी बुक में वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा गूगल मीट में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल वन है, क्या बोला यहाँ पे। देखो बेटा, फ्रैक्शन में पहली बात तो ये हमें कुछ मालूम है, मैंने कुछ आपको पढ़ाया है, उसमें हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक कि फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में ऑलवेज हम टोटल पार्ट लिखते हैं, टोटल पार्ट कितने होते हैं वो लिखते हैं, और न्यूमिनेटर में हम क्या लिखते हैं जिसके लिए हमें फ्रैक्शन लिखना होता है वो वाला पार्ट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, बॉक्स कंटेन 20 मार्बल्स, देखो 20 मार्बल्स टोटल है बॉक्स में, आउट ऑफ विच 8 आर रेड एंड 12 आर ग्रीन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रेड पार्ट। ठीक है बात, टोटल कितने हैं, टोटल मार्बल्स कितने हैं, 20 है, उसमें से 8 जो है, 8 मार्बल वो रेड है, और 12 मार्बल जो है वो क्या है बेटा, ग्रीन कलर के। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसके लिए, रेड मार्बल्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन फॉर द रेड मार्बल। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 20, तो 20 को हम कहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और किसके लिए फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, रेड के लिए फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो न्यूमिनेटर में किसका लिखेंगे, रेड का, कितना है रेड, 8 है। तो बेटा अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ना, हमको मालूम है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। तो आप पहले क्या करोगे, दोनों को देखो, पहले तो मुझे ये मालूम है कॉमन फैक्टर कौन सा निकलता है, यहाँ पे 8 का फैक्टर्स निकालोगे तो 8 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 2 8, और 20 है वो भी 4 के टेबल में आता है, 4 5 20। ठीक है, तो 4 4 आर कैंसल, फाइनल आंसर इज 2/5, 2/5 भी उसको बोल सकते हैं। तो बेटा ये फ्रैक्शन है 2/5, वो क्या है, रेड मार्बल के लिए फ्रैक्शन है। ठीक है बात, तो आसान सी बात है, कुछ नहीं किया, क्या किया, टोटल जो था उसको डिनोमिनेटर में, और जिसके लिए फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था उसको मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया और सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर क्या निकल गया, 2/5 इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड मार्बल्स। ठीक है बात, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखते अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हुए सर्कल के, 10 पार्ट्स हुए, आउट ऑफ विच 4 आर कलर्ड, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट। देखो बेटा यहाँ पे टोटल पार्ट कितने की, 10, देर आर 10 टोटल पार्ट्स इन द सर्कल, टोटल पार्ट 10 है ना, विच ऑफ विच 4 आर कलर्ड, देखो यहाँ पे 4 पार्ट है वो क्या है, कलर्ड। तो बेटा 6 पार्ट हो गए वो क्या हो गए, नॉट कलर्ड हो गए ना, नॉट कलर्ड, विदाउट कलर वाले हो गए। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कलर्ड पार्ट के लिए। बेटा टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल है 10 पार्ट, और कलर्ड पार्ट कितने, 4, क्योंकि कलर्ड पार्ट के लिए फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो 4 को ही तो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा। तो बेटा इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 4 के तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 × 2, और 10 के 2 × 5 कैंसल, 2 2, देन आंसर विल बिकम 2/5। देखो सेम टू सेम आंसर दोनों का, तो बेटा 2/5 है वो हमारे के आंसर, लास्ट आंसर है, फाइनल आंसर है। ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वरना हम उसको भी कैंसिल कर देते। ठीक है, तो 2/5 इज अवर फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 लेडीज एंड 4 जेंट्स, देखो 8 लेडीज है और 4 जेंट्स है, आर सिटिंग इन ए बस, वॉट इज द फ्रैक्शन ऑफ लेडीज आर सीटेड इन द बस।
तो बेटा यहाँ पे टोटल दिया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल कितना है, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 8 लेडीज है, 4 जेंट्स है, तो 8 प्लस 4 तो टोटल क्या हुआ, 12 हुआ ना, टोटल 12 हुआ। तो देर आर 12 पीपल्स आर ट्रैवल इन द बस। टोटल कितने बस है? ट्रैवल तो मतलब यहाँ पे सीटिंग लिखा है, तो यहाँ पे हम सीटिंग ही लिख देते हैं। देयर आर टोटल 12 पीपल्स आर सीटिंग इन द बस। टोटल कितने हुए? 12 है। तो हमें किसके लिए फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है? यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ लेडीज आर सीटेड इन द बस। तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, टोटल कितना हुआ, यहाँ पे टोटल 12 है, तो 12 को कहाँ पे लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन किसके लिए फाइंड आउट करना है, लेडीज के लिए। तो न्यूमिनेटर में हम किसका नंबर लिखेंगे, लेडीज, नंबर ऑफ द लेडीज कितने, 8 है, ठीक है बात। तो बेटा ये दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, मतलब 8 है वो भी 4 के टेबल में आता है, 4 2 8, और 12 है वो भी 4 के टेबल में आता है, 4 3 12, कैंसिल, 4 4, आंसर विल बिकम 2/3। सही है, तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है। 2/3 इज अ फ्रैक्शन ऑफ सीटेड लेडीज, नंबर ऑफ सीटेड लेडीज इन द बस, कि जो लेडीज बस पे बैठी है उसका फ्रैक्शन क्या है, 2/3। ठीक, तो बेटा ऐसे करते हैं, ये थोड़े क्वेश्चन थे बाहर के हैं थोड़े, वो मैंने यहाँ आपको सॉल्व करवाया। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3 का, ठीक है, आप खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3 आप खुद से ट्राई करना। पेज नंबर भी बोल देते हैं भाई, पेज नंबर है 49, 49 पेज नंबर पे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3 ऑन द पेज नंबर 49 आप खुद से ट्राई करोगे। टेंशन मत लेना, उसकी PDF भी मैं भेज दूंगा नेक्स्ट डे, जब भी आपको वीडियो आएगा उसके नेक्स्ट डे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ओके, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद, टेक केयर।